So hello everyone and welcome to the newest episode of KU Podscot. My name is Harsh Dulani and I'm your host for today. Today we have with us is someone who is very experienced of financial markets and in context of uh, Indian markets as well commodity market and Indian financial markets equity market and uh, he's someone who i can ask questions about investors, about compounding, and someone who has seen it all from almost 15 to 20 years. Uh, today we have with us mr. Prashant Baman who is the vice president of motilal oswal financial services, and we'll talk about all these things in this podcast. hello and welcome to our podcast. Yeah. and uh, it is an honor to have you here. and i shall begin with the first question that india made bharat transition RRB. a lot of यंग इन्वेस्टर्स आर कमिंग into the मार्केट एंड दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट सो हम पहले देखते थे कि जो हम हमसे बड़ी वाली generation है उनसे पहले की generation है दे यूजली यूज़ टू इन्वेस्ट इन लैंड गोल्ड फिर जो हमसे पहले वाली जनरेशन आई उनको नए इंस्ट्रूमेंट्स पता चले एफ डी जैसे अब जो जनरेशन आ रही है उनको इन्वेस्टिंग का नाम लेते ही म्यूचुअल फंडस पता है स्टॉक्स पता है सो हाउ इज़ दैट ट्रांजेक्शन कमिंग क्योंकि आने वाली जनरेशन और नए

एंड द डेटा इज वेरी चीप राइट इंडिया में डेटा का एक्सेस लाइक एवरीबडी एक्सेस द डेटा अफोर्डेबल डेटा है एंड वी हैव द वर्ल्ड आई थिंक लोएस्ट कॉस्ट ऑफ द इंटरनेट सो देर वी लीड ओवर थैंक ऑल द प्लेयर्स सो आई थिंक इसकी वजह से क्या है ना बहुत बड़ी क्रांति आ चुकी है और जैसा आपने बताया कि आज की जनरेशन स्टार्ट ही करती है म्यूचुअल फंड से या इवन स्टॉक ट्रेडिंग से राइट right. सो so, आज की जनरेशन रिस्क टेकर है राइट right. उनके पास इतने सारे ऑप्शंस है ओके okay. एंड रिस्क टेकर मतलब शायद आज की जनरेशन के बैकग्राउंड सेट है राइट right. हमारे टाइम पे या उससे पहले के टाइम पे ऐसा था कि हमको बनाना था तो हम बहुत सोच समझकर हर चीज़ का डिसीजन लेते थे आज की जनरेशन के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है एंड दे टेक इन्फॉर्म डिसीजन आई एम नॉट टेकिंग मैनी आर टेकिंग ब्लाइंड डिसीजन मैनी आर टेकिंग इन्फॉर्म डिसीजनस सो so, उससे क्या है ना कि आज लोगों को बताने का जरूरत नहीं है कि डीमेट अकाउंट क्या होता है सो so, इंडिया में ये क्रांति का शुरुआत हो चुका है एंड वी आवर कंपनी इज अ कोर बुलिश ऑन द इंडियन इकोनॉमी राइट मतलब जब इंडिया में कोई इक्विटी का बात नहीं करता था तब से हम बोलते हैं कि इंडिया में तेजी है और आज हम वो तेजी देख रहे हैं हमको लोग बोलते भी थे कि आप कभी मंदी का बात करते ही नहीं हो और आज वो चीज़ प्रूव होती है राइट इवन बजट आया थोड़ा मार्केट हिला एंड ऑल बट स्टिल मार्केट्स आर अप सो इन द लॉन्ग रन मार्केट्स हैव टू बी अप सो ओनली थिंग इज नाउ आज के डेट में लोगों को डीमेट अकाउंट खोलना इज नॉट अ चैलेंज रियल चैलेंज शुरू होता है डीमेट अकाउंट खोलने के बाद क्योंकि हार्ड एंड मनी है डियर राइट right? हर किसी ने मेहनत से पैसा कमाया है और हमारे यहाँ के लोगों को आदत है कि किसी के बोलने पे हम कुछ भी स्टॉक्स या कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं चल गया तो खुश होते हैं नहीं चला तो देन अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया मेरे साथ ऐसा हो गया यार बाजार सबके लिए अच्छा है बट मुझे तो सही अनुभव नहीं हुआ सो टेक इन्फॉर्म डिसीजन्स लाइक आवर ब्रांड मोतीलाल ओसवाल वी ऑलवेज आवर टैगलाइन इज सॉलिड रिसर्च सॉलिड एडवाइस राइट वी ऑलवेज से यू मस्ट रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट नॉट आफ्टर सो द रियल चैलेंज इज डिमेट अकाउंट ओपना इज नॉट अ रियल चैलेंज ओपन करना द रियल चैलेंज इज अ कस्टमर के गोल को समझना ओके क्या आपने डिमेट अकाउंट खोला तो आपका गोल क्या है क्या थाट प्रोसेस है वॉट इज द रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग ये सब काउंसिलिंग हमारे एडवाइजर्स करते हैं सो दैट्स वेयर वी प्ले अ वेरी क्रुशियल रोल एंड थैंक्स टू डिस डिस्काउंट ब्रोकर आई से थैंक्स टू डिस्काउंट ब्रोकर बिकॉज दे हैव टे मेड ऑन बोर्डिंग ऑफ द कस्टमर्स वेरी इजी राइट बिकॉज सस्ता ब्रोकरेज मिलता है सो so, मेरा ये सोचना है कि आप सस्ते ब्रोकरेज बचा के कमाना चाहते हो कि सही में मार्केट से कमाना चाहते हो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रोकरेज बचा के कमाना है कि आपको मार्केट का एक लंबा रैली में पार्टिसिपेट करके कमाना है तो लोगों ने मीन्स को डाइवर्ट कर दिया है राइट सो बिकॉज ऑफ डिजिटल ब्रोकर ऑन बोर्डिंग हैज़ बिकम वेरी इजी आज किसी कस्टमर के लिए डिमेट अकाउंट खोलना लाइक टेन मिनट्स का काम है राइट देन ही मस्ट हैव हीज ओन एक्सपीरियंसिस विद डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज एंड ब्रोकर बट वैन इट कम्स टू एडवाइस दे लुक फॉर अ कंपनी लाइक एस कंसल्टेंट या और अब इस डिजिटल एज में ये ट्रांजेक्शन आया है उसके बाद लोगों को एक कंसल्टिंग में एक चीज़ चाहिए होती है कि समवन टू गाइड देम क्योंकि वो अकाउंट ओपन हो चुका है उसके बाद दे नीड सम एडवाइस क्योंकि लोगों की एडवाइस सुनते हैं तो फिर उनका लॉस हो जाता है सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एडवाइस एंड फ्रॉम अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन और अ एक्सपीरियंस्ड इंस्टीट्यूशन मैं आपको एडवाइस के ऊपर और एक चीज़ ऐड करता हूं हमको सर दर्द होता है तो हमको एडवाइस का ज़रूरत नहीं है हम डिसप्लिन ले लेते हैं सर दर्द ठीक हो जाता है बट मान लो आपको डेंगू हुआ है टाइफॉइड हुआ है जॉन्डिस्ट hmm. हुआ है तो आप क्या करते हो आपके किसी फ्रेंड ने बोला है, ये एक दो तीन प्रिस्क्रिप्शन दिया आप ये गोली खा लो आप खाओगे बिकॉज no. वो आपकी जान पे आ गया है यू विल गो टू एक्सपर्ट सो वैन इट कम्स टू योर हार्ड एंड मनी यू शुड गो विद द एक्सपर्ट एंड देट इज़ वेर वी फील दैट गैप ऑफ मैनेजिंग द एनी बडी इज हार्ड एंड मनी एंड पार्किंग इट इन द राइट एसेट्स डिपेंडिंग ऑन द नीड एज गोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओके आज टिप्स कैसा हो गया ना कि किसी ने आपको बोला ये ले लें आपने ले लिया ओके एंड यू थिंक हाँ पच्चीस हजार क्या है आई एम एबल टू टेक द रिस्क ऑफ पच्चीस हजार पचास हजार लाख रुपया बट एक लाख भी तो बड़ी बात है ना आपके लिए राइट सो दैट्स वेर वी फील दैट प्लेस आपको बीमारी हुआ था आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि मुझे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ही जाना है तभी मेरा क्योर होंगे मैं

इन्वेस्टिंग केम इन राइट जैसे इंडिया में आज की डेट में बैंक एफ अराउंड दो लाख करोड़ का है बट म्यूचुअल फंड सिक्सटी लैक्स करोड़ के हैं एंड दैट इज़ बिंग ग्रोइंग वेरी फास्ट ऑल्सो राइट सो दोज आर डिजिटल एसेट्स ओके बट फिजिकल एसेट्स को आप मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉट लाइक आपके पास पीछे पीछे कितना प्रॉपर्टी हैट अकाउंटेड राइट right? आज म्यूचुअल फंड इस कैन बी यू कैन बी काउंटेड क्योंकि उतना पैसा हर एक पैन कार्ड के सामने कहीं ना कहीं रखा हुआ है राइट सो दैट कैन बी ट्रू आई डोंट हैव द नंबर्स बट नाउ ये शिफ्ट शुरू हो चुका है एंड एक डिफरेंस क्या है कि फिजिकल एसेट्स ऑलवेज लैक्स इन लिक्विडिटी फॉर एग्जाम्पल रियल इस्टेट है आज आपको इमिडियट फंड्स का ज़रूरत है आप कल बेच नहीं सकते उसको या तो बेचना है तो आपको प्राइस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा राइट right. जबकि डिजिटल एसेट्स में ऐसा नहीं होता है करेक्ट जैसे आपका स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग है प्राइस एफिशिएंट है प्राइस सबके सामने है so आप इमीडिएट सामने बायर अवेलेबल है यू आर अ सेलर यू कैन सेल इट इमीडिएटली सो एवरीथिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बट इन इंडिया विद ग्रोइंग टाइम्स पीपल आर मोर डाइवर्टेड टूअर्ड्स नाउ इन्वेस्टिंग टाइम राइट नाउ इट इज नॉट लाइक कि पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम रियल इस्टेट रियल इस्टेट हैज़ इज ओन मार्केट दर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन अ रियल एस्टेट एंड स्टॉक मार्केट राइट बट दैट पोर्शन ऑफ फंड वॉज गोइंग टू रियल इस्टेट दैट मस्ट बी गोइंग बट द फंड आर नाउ कमिंग इन टू मार्केट्स ऑल्सो वेरी रेपिडली राइट एंड अभी एक छोटा मंदी भी आता है ना तो लोग डरते नहीं है राइट right? उसका रीजन है कि नाउ पीपल नो आई एम हियर फॉर अ लॉन्ग टर्म मतलब नाउ दे अंडरस्टूड द इन्वेस्टिंग नाउरस्टूड दिलीव हाँ बाजार एक महीना खराब हो सकता है दैट इज ओके ना दैट्स इट्स मार्केट्स राइट यू कैन नॉट हैव आपका बिजनेस बारह महीना अच्छा नहीं चलता hmm. दो महीना तो खराब होता ही है तो नाउ पीपल हैव हैव अंडरस्टूड दिस दिस वी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग तो पहले क्या होता था मार्केट थोड़ा डाउन होता था लोग अपना एस आई पी रोक देते थे एस आई पी ब्रेक कर देते थे निकल जाते थे अभी रिवर्स है पीपल का इमोशंस में कोई फर्क नहीं है हाँ ठीक है लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छा है राइट आपको क्यों लगता है इंडियन कंज्यूमर्स के माइंड में मेजोरिटी कैसे आ रही है आई थिंक देर आर टू रीजंस नंबर वन इज पीपल हैव एक्सपीरियंसड इट ओके बाय स्टेइंग द लॉन्ग टर्म इन द मार्केट एंड नंबर टू इज वी फॉर एग्जाम्पल अवर कंपनी इज टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट टू रन द कैंपेन्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ओके वी

सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर बिल्कुल देन अनदर कैंपेन्स आर म्यूचुअल फंड्स सही hai. है सो लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन मेड फ्रॉम एवरीवन वन टू मेक दिस मार्केट्स मोर एफिशिएंट टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल टू अंडरस्टैंड दैट यू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म नॉट अ शॉर्ट टर्म एंड मैनी मैनी सच थिंग्स सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिन लोगों ने अभी नया इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया सम पीपल ऑफ मैनी पीपल ऑफ माई एज जिन्होंने अभी अभी कमाना स्टार्ट किया और सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करना है उनके लिए ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्ट रहेंगे या फिर या फिर उनको भी इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं बिकॉज उन्होंने अभी जस्ट कमाना स्टार्ट किया है करेक्ट आपको क्या लगता है मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एंड अगर आपको आपका फाइनेंस अलाउड करता है तो आपको हंड्रेड इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज आप जितना अर्ली मार्केट में होंगे उतना आपका कंपाउंडिंग टाइम बढ़ेगा राइट जैसे यंग यंग इन्वेस्टर लाइक यू आप भी सोचते होंगे यार मार्केट ऑल टाइम हाई पे है मैं थोड़ा वेट कर दूँ फॉर एग्जाम्पल सो पॉइंट इज यू कैन नेवर टाइम द मार्केट और टाइमिंग को अवॉइड करने का बेस्ट सोल्यूशन है कि आप सारा पैसा एक टाइम में नहीं डालना है दैट इज़ वेयर द एस आई पी कॉन्सेप्ट इज बींग वेरी पॉपुलर सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान बिकॉज नो बडी नोज के वेदर द इज द बॉटम और वेदर द इज द टॉप सो यू पार्क योर मनी एट systematically in the market you are entering at every price and you are not trying to time the market so at your age i think uh, if your finance is permitting you should definitely start early investing because maybe in next 10 to 15 years your portfolio can become uh, dramatically big right so that's the power of compounding that's where the you know compounding concept comes in the money compounds in the last years of Uh, yeah. एक अगर आपने एक कंपाउंडिंग के ऊपर एक आ, देखा होगा वीडियो बहुत फेमस है कि एक राजा था उसके पास एक ब्राह्मीण आया और राजा ने ब्राह्मीण को कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाया था तो प्रॉब्लम सॉल्व करी वो ब्राह्मीण ने एकदम साधारण ब्राह्मीण चप्पल भी नहीं पहना था अपने अटायर में ही वॉज अ वेरी सिंपल एंड कॉमन मैन तो राजा खुश हो गए कि अच्छा मांगो आपको क्या चाहिए तो उन्होंने बोला पक्का मैं जो मांगूंगा दोगे तो बोला हाँ ठीक है राजा बोला मेरे पास तो बहुत कुछ है क्या ही मांग लेंगे तो ब्राह्मीण ने बोला मुझे चावल का एक दाना चाहिए क्या चावल का राइस का खाली एक दाना चाहिए बट मुझे अगले एक महीने तक चाहिए ये और मुझे हर दूसरे दिन वो डबल होते हुए चाहिए कि जैसे आज आपने मुझे चावल का एक दाना दिया कल आपको मुझे दो दाने देने हैं परसों चार देने हैं आठ देने हैं सोलह देने हैं बत्तीस देने हैं और तीस दिन तक आपको मुझे देना है बस उतना ही चाहिए राजा सेठ की क्या मांग रहे हो कुछ बड़ा मांगो ना बोला नहीं मुझे इतना ही चाहिए सो so, वो चावल का एक दाना अगर फॉर एग्जांपल अगर वो चावल का एक दाना मान लो आज की डेट में पचास हजार रुपया है एक दाने की वैल्यू पचास एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आपको मालूम है ये पचास हजार एक लाख हो गया एक लाख दो लाख हो गया दो लाख चार लाख हो गया चार लाख आठ लाख हो गया सो देट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड ऑन पंद्रह दिन तक राजा को समझ में आया कि यार कुछ तो गलत हो रहा है सोलह के दिन के बाद राजा ने अपना जो सामग्री था वो बेचना शुरू कर दिया क्योंकि पंडित जी को कमिट किया था भी भी। फिर मंथ खत्म होते होते राजा का पूरा साम्राज्य बिक गया बोला प्रभु जी आप कौन हो तो बोलता है सर कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड दिस इज हाउ फास्ट योर मनी मल्टीप्लाईज एंड जितना आपने टाइम निकाला ना उसके बाद आपकी मल्टीप्लीकेशन और बढ़ती रहती है तो दैट्स वाई compounding is called the eight wonder of the world. but the one who really practically has seen it, he only understands it. right. so that's the power of compounding. so easily starting early is very important, as your question is. right. starting early is very important if you have money and, you know, stock market is affordable. for example, you must be earning 50,000 rupees a month.

उंड हो रहा है इंडियन yeah. so, <coughs> तो की खास करके एक्चुअली no, क्या है ना मार्केट्स hmm, में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है जो लोग एक टाइम के बाद थोड़ा लूज हो जाता है बहुत लोगों का वो हो होता है ना डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट hmm. right? हम बोलते हैं कि आप बाई राइट सीट टाइट करो बट कितने लोग एक्चुअली करते हैं राइट सो और अपना मार्केट्स या आई डोंट नो आई डोंट नो अबाउट द ग्लोबल मार्केट्स बट इंडिया में टिप्स का कल्चर बहुत है राइट right? hmm. और किसी टिप्स किसी फ्रॉम ने बता दिया। किसी हाँ किसी ने बता दिया दोस्त ने बता दिया और एक दो बार वो टिप सही हो जाती है ना तो हमारे लिए वही एक्सपर्ट है फिर राइट <laughs> right? जबकि वो कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए करेक्ट सो दैट्स द होल प्रॉब्लम विद आवर कंट्री एंड बट हालांकि इसमें काफ़ी सुधार हुआ है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में लोगों की मेच्योरिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी हुई है एंड बट स्टिल टिप वाला कल्चर तो है अभी भी है, अभी भी है. आप उसको कैसे रिमूव कर पाओगे मालूम नहीं है बट लोगों में वो है कि और आज कैसा है ना कि आदमी सोचता है यार चल दस हज़ार का रिस्क ले लेता हूँ या बीस हज़ार का रिस्क ले लेता हूँ या लाख रुपए का रिस्क ले लेता हूँ जैसी जिसकी कैपेसिटी सो ही हैज़ दैट थिंग इन माइंड कि चलो मैं रॉन्ग गया तो मेरा एक लाख रुपया चला जाएगा बट प्रॉब्लम क्या है ना जहाँ वो एक लाख रुपया जाता है ना वो प्रॉब्लम नहीं है फिर आदमी उसको थोड़ा जिद बना लेता है कि मुझे अभी एक लाख कवर करना है और उसको वो फास्ट कवर कर रहे हैं फिर दैट इज़ वेयर द होल प्रॉब्लम स्टार्ट सीन टू कवर दैट वन लैक

यूक्रेन रशिया का चल रहा था अभी तो टाइम पहले इजराइल में अभी प्रॉब्लम हो रही है इन सब का कमोडिटी मार्केट पे हमने देखा है कि काफी सारा इफेक्ट पड़ता है कैसे पड़ता है ये सब सी दैट्स अगेन अ गुड क्वेश्चन हर्ष होता क्या है कि ट्रेडिशनली कमोडिटीज आर द अर्ली इंडिकेटर्स ऑफ एवरीथिंग राइट बिकॉज़ कमोडिटीज आपके डे टू डे में हर जगह जुड़ा हुआ है आज जो भी कंपनीज इवन स्टॉक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है मैनुफैक्चरिंग साइड इंडस्ट्री साइड दे आर डीलिंग इन टू कमोडिटीज राइट सर्विस सेक्टर को अगर हम आ, बात करें तो सो फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल है गोल्ड है राइट सो फॉर एग्जाम्पल आज वॉर टाइप की सिचुएशन में ओके गोल्ड विल बी ऑलवेज अ फेवरेबल एसेट क्लास आज गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है दैट मीन्स वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है so commodities are the early indicators of the uncertainties or the leading indicator of the uncertainties right it's uh, more than any other asset class equities uh, currencies bond markets commodities are the early early indicators and uh, along with commodities uh, money markets are the early indicators right when interest rate starts going up or going down right whether major central banks are मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन एन ऑल फॉर एग्जाम्पल राइट ना वो भी क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आ रहे हैं राइट right? तो इकोनॉमिक्स कैसा ना बहुत इंटरेस्टिंग है हर चीज को आप मल्टीपल एंगल से देख सकते हो क्रूड ऑयल प्राइस नीचे आ रहे हैं तो उसका ये सिग्नल है कि ग्लोबल स्लो डाउन है क्या है ग्लोबल स्लो डाउन है बट इंडिया की बात करें तो हमारे तो मार्केट तेजी में है और ग्लोबल स्लो डाउन है तो कहीं ना कहीं हम भी तो ग्लोबल से कनेक्टेड है वी कैनॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स टू लॉन्ग मार्केट चाइना मार्केट दोनों करते या सो yeah, so आज की डेट में कमोडिटीज का प्राइस में फॉल है सो दिस इज एन इंडिकेशन कि ये ग्लोबल मंदी तो है ग्लोबल स्लो डाउन तो टू है सो दिस कैन बी एन अर्ली इंडिकेशन टू वर्ड समथिंग वी डोंट नो वट इज दैट बट अनदर साइड ऑफ दैट क्रूड ऑयल प्राइस इज डाउन है तो इट्स गुड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेर वी आर द इम्पोर्टर्स

कनेक्टेड मतलब गोल्ड so, की प्राइसेस कैसे कनेक्ट हो सकती है एक ग्लोबल इवेंट से सी uh, क्या है ना गोल्ड इज अ नॉन इंटरेस्ट बेरिंग कमोडिटी गोल्ड में आपको ब्याज नहीं मिलता ना राइट सो बट गोल्ड इज द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द मनी सप्लाई पहले के जमाने में बारटर सिस्टम होता था आपको मालूम है जब मनी और करेंसी एग्जिस्ट नहीं करते थे तो हां जैसे आपके पास कुछ है मेरे पास कुछ है तो हम दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे वहाँ से उसको मेजर किया गया गोल्ड से फिर वहाँ से मनी प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट आया तो दिस इज हाउ वी हैव वील्व ट्रेडिशनली राइट एंड गोल्ड जनरली इज अ सेफ हेवन। वॉट गोल्ड इज अ सेफ हेवन कि भाई वर्ल्ड में कुछ भी क्राइसिस आ जाएगा ना गोल्ड तो बिक जाएगा गोल्ड की वैल्यू मेंटेन रहेगी गोल्ड बिक जाएगा सेफ हेवन मीन्स आप उसको अभी बेचना तो अभी बेच सकते हो और सामने वाला टेकर भी है सो दैट्स वेयर द गोल्ड प्ले कम्स इन लिक्विडिटी इज़ वेरी हाई राइट आप कभी भी गोल्ड को बेच सकते हो सो दैट्स वाई नॉट ओनली इंडिविजुअल्स अ बिग सेंट्रल बैंक होल्ड अ गोल्ड लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पीपल्स बैंक ऑफ चाइना बैंक ऑफ जापान उनके जो रिजर्व करेंसीज है उसमें गोल्ड इज अ वेरी मेजर पोर्शन वाई बिकॉज कल को कुछ वॉर सिचुएशन आई करेंसी इम्पैक्ट हो सकती है बट गोल्ड हमको बचाएगा राइट right. तो पहले के ज़माने में क्या होता था पहले के टाइम में कि मार्केट्स ऊपर जाते थे तो गोल्ड प्राइस थोड़े स्लो में रहते थे या डाउन ट्रेंड में रहते थे बट आज की डेट में आप देख रहे हो मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है गोल्ड क्लोज टू ऑल टाइम हाई पे है ऐसा क्यों है बिकॉज मार्केट्स का एक अपना अलग फंडामेंटल्स है लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है कॉरपोरेट अर्निंग्स काफ़ी अच्छी है इधर गोल्ड क्यों तेजी में है क्योंकि वर्ल्ड में टेंशन है अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं है रशिया यूक्रेन को आई थिंक अभी तीन चार एनिवर्सरी हो गया खत्म ही नहीं हो रहा है राइट इसराइल पैलेस्टाइन वाला वॉर शुरू हो गया तो वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी रहने वाली है एंड आगे चल के ये अनसर्टेनिटी बढ़ेगी आगे चल के ये अनसर्टेनिटी में भी बढ़ेगी राइट सो देट्स वाई गोल्ड वुड बी एन अर्ली इंडिकेटर फॉर डायरेक्शन ऑफ अदर एसेट क्लासेस ओके आजकल काफ़ी बात होती है ए uh, आई की मशीन लर्निंग की डेटा साइंस right. की इन सबको इन्वेस्टिंग में भी इंटीग्रेट किया जा रहा है क्योंकि फ्यू डेज बैक वी हैड मिस्टर विद्याधर जोशी जो कि शायना इलेक्ट्रिक में यही सब देखते हैं और उन्होंने बोला था कि ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर में ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री में ए आई इंटीग्रेट हो रहा है एंड देट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग में भी ये चीज़ आ चुकी है या फिर इसका फ्यूचर क्या देखते हो आप इट्स टू टू अर्ली से से बट थिंग्स विल कम हियर दैट्स आई कैन एंड

राइट सो मार्केट में जरा मेनी मेनी प्लेयर्स वो आर ट्रेडिंग ऑन अलगो बट अगेन वैन इट कम्स टू ट्रेडिंग यू नीड दिस ए आई एन अलगो बट वैन इट्स कम्स टू इन्वेस्टिंग यू हैव टू बी ऑन द बेजिक प्रोसेस जैसे हमारा प्रोसेस है क्यू जी एल पी क्वालिटी ग्रोथ लॉन्चिटिविटी एंड प्राइस हियर वी कैन यूज ए आई टू एन एक्सटेंड समवेयर बट मे बी ए आई का रेल होगा ट्वेंटी परसेंट एटी परसेंट इज स्टिल ट्रेडिशनल मैथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग गुड स्टॉक्स एंड बींग पार्ट ऑफ द ग्रोथ जर्नी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक बट वैन इट कम्स टू ट्रेडिंग दिज ए आईज एंड अदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज अ रोल टू प्ले राइट आज देर आर मैनी बर्ज इज गोइंग ऑन दंग में दस में से नौ लोग लॉस करते हैं ऑल बिकॉज वॉट इज हैपनिंग आप अज्यूम करो कि एक तरफ एक रिटेल प्लेयर है और एक तरफ एक ऐसा प्लेयर है जो अल्गोरिदम लेके बैठा है तो किसका ट्रेड पहले जाएगा मार्केट में अल्गोरिदम का कि रिटेल का मशीन का पहले जाएगा तो आज एक इंडिविजुअल पर्सन इज फाइटिंग विद मशीन तो हु विल विल विन विन मशीन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट राइट आज एक रिटेल को सोचता है कि मैंने एफ वन प्लेस करके एक ट्रेड करा तब तक एक अलगोरिदम का एक पूरा ट्रेड कंप्लीट हो जाता है राइट सो इफ यू टू फाइट विद मशीन

जिससे इतने सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इस इंडस्ट्री की तरफ और सबसे बड़े चेंजेस क्या रहे हैं जिससे इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है अब इंडस्ट्री में बिकॉज मोतीलाल ओसवाल इज अ वेरी वेल नोन और बहुत ज़्यादा क्रेडिबल नेम है इस इंडस्ट्री का आपने मार्केट्स काफी सालों तक स्टडी किए होंगे रिसर्च की होगी आपने सब कुछ देखा है मार्केट का ए टू जेड तो ऐसी क्या नई चीजें आई है या फिर ऐसे क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे सी बेसिकली आजकल के लोग अवेयर हो चुके हैं एज आई सेट अगेन की बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट नाव एवरीथिंग इज एक्सेसेबल टू एवरी वन ओके तो नाउ एक्सेस का प्रॉब्लम नहीं है नाओ द प्रॉब्लम इज द राइट काइंड ऑफ एक्सपर्ट दैट यू हैव राइट सो अगेन योर क्वेश्चन इज कि ऐसा क्या हो गया कि इतना टर्न अराउंड हो गया मार्केट्स में अगेन सी कोविड हैज़ प्लेड अ यू नो वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्पेशली वैन इट कम्स टू द स्टॉक मार्केट्स ग्रोथ इक्विटी मार्केट्स का ग्रोथ सीरियसली मतलब कोविड में कोविड uh, कोविड में मार्केट्स पहले गिरा देन इट हैज़ बिकम गिवन अ गुड रैली सो मैनी पीपल अट्रैक्टेड काफ़ी लोगों ने तो इसको फुल टाइम अपना वो बना लिया है कि job चलो जॉब नहीं है तो एटलीस्ट मैं मार्केट से कुछ पैसा कमा लूँ hmm. ऐसे बहुत सारे मॉडल्स क्रिएट हुए हैं इनफैक्ट आई ऑल्सो मीट मैनी पीपल दे सेड कि सर nah, मैंने जॉब छोड़ दिया नाउ आई मीन टू फुल टाइम ऑफ द मार्केट सो आई सेड न्यू वेव ऑफ ट्रेडर्स के न्यू वेव ऑफ ट्रेडर्स के एंड आई फील दैट बट एनीथिंग यू वॉन्ट टू डू यूनिट स्किल्स तो बोला नो सर दैट वी आर रेडी टू डेवलप अवर स्किल्स सो एक ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल इमर्ज हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स यू सी नाउ नाउट इज ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज आर his own uh, thoughts and all. Uh, correct, uh, correct. Uh, so uh, uh, if you ask uh, our brand recently. Uh, we have we have uh, allies with the IIT Mumbai for uh, for setting up a capital markets uh, course with IIT Bombay. Okay. Yeah. So so those kind of uh, uh, licensing is happening mm -hmm. only because to keep the individual person like every one of us to become more informed, more skilled, and more aware. Mm -hmm. Right. And COVID has played a very important role. बहुत लोग अभी पूरा अपना सेटअप फुल टाइम इस पे हो गए आप लोग ने काफ़ी एड, एड देखी होगी कि मेरे पापा फुल टाइम ट्रेडर है हाँ। राइट यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी ऐड चलती है सो लाइक दिस इज गोन था फ्री टाइम बहुत ज्यादा था और कुछ सीखना था हॉबीज एंड मैं आपको बताऊँ बड़ी रिवोल्यूशन क्या है कि मेरे नेबर है उनका लड़का इज अराउंड सोलह uh, साल का है ही नोज वॉट इज डेरिवेटिव ही नोज वॉट इज़ इन्वेस्टिंग ही नोज़ हाउ टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल चार्ट आई सेड हाउ यू लर्न ऑल दिस सर इंटरनेट यूट्यूब सो ये बहुत बड़ी रिवोल्यूशन है अभी मेरा और एक कज़िन है वो मुंबई से ही कहीं इकोनॉमिक्स uh, में ग्रेजुएट कर रहा है वो हर एक आईपीओ पे रिसर्च करता है ही मस्ट बी जस्ट 18 और नाइनटीन हर एक आई पे रिसर्च करता है तो आई थिंक ये बहुत बड़ी रिवोल्यूशन है ये बहुत बड़ी रिवोल्यूशन है ये इंडस्ट्री की तरफ से और दिस हैज अ लॉन्ग रोल टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी सो कमोडिटी मार्केट अभी भी बोला जा रहा है काफ़ी नया है और काफ़ी लोगों ने इसको एक्सप्लोर भी नहीं किया है तो कमोडिटी मार्केट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन स्ट्रक्चर कैसे ग्रो कर रहा है अभी और अचानक से काफ़ी लोगों का भी इंटरेस्ट भी आ गया इस मार्केट में तो आप क्या देखते हैं कमोडिटी मार्केट का इंडिया में क्या फ्यूचर है सही कमोडिटीज़ मार्केट ट्रेडिशनली अगर आप जो ट्रेडिंग है ना hmm. कि आज हमने जब ट्रेडिंग सीखी hmm. तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव्स की मैं बात कर रहा हूँ कमोडिटीज डेरिवेटिव्स मार्केट शुरू हुआ था जापान में ओसाका hmm. करके एक सिटी है वहाँ पे इन 1730 थर्टी वहाँ पर राइस की फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती थी डेरीविटिव इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन वहाँ से कमोडिटी मार्केट्स का जर्नी शुरू हुआ तब ऐसा कोई स्टॉक मार्केट एक्जिस्ट नहीं करते थे तो कमोडिटीज इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मार्केट वैन इट कम्स टू ट्रेडिंग राइट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल है फिजिकल ट्रेडर एक जगह से चीज़ें लेना दूसरी जगह पर चीज़ें अपना मार्जिन एड करके बेचना तो फिजिकल ट्रेड्स तो अभी भी चलते हैं राइट right? फिर वहाँ से मार्केट डेवलप हो गया ओवर द काउंटर ओवर द काउंटर इज फिजिकल आप और हम मिलके एक डील कर रहे हैं देन वहां से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज की एक कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है आप और मैं आज डील कर रहे हैं कि ये कमोडिटी मुझे इस एक महीने बाद चाहिए बट प्राइस अभी से फिक्स कर देते हैं बट उसमें क्या होता था फिर प्राइस आगे पीछे हो जाता था तो या तो बायर डिफॉल्ट होता है या तो सेलर डिफॉल्ट होता है तो दैट इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल मॉडल तो वहाँ पर आया कि एक सेंट्रल बॉडी चाहिए जो रेगुलेट करे तो वहाँ पर एक्सचेंज इसका रोल आ गया फिर कमोडिटीज़ आगे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जहाँ एक्सचेंज इज द काउंटर पार्टी फॉर बोथ बायर एंड सेलर राइट जो भी प्राइस है आपको सेटल करना ही पड़ेगा सो दीज हाउ कमोडिटीज़ हैव स्टार्टेड एंड इंडिया में क्या है ना कमोडिटीज़ मार्केट की ग्रोथ अभी ज़्यादा क्यों हो रही है कि पहले कमोडिटीज मार्केट में खाली फ्यूचर्स हुआ करता था जब से कमोडिटीज मार्केट में ऑप्शंस अलाउड किया गया है लोगों के रिस्क मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए राइट right, आपका फ्यूचर्स खड़ा है आप ऑप्शंस में कुछ स्ट्रैटेजीज बना के उसको हैच कर सकते हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बढ़ गया नंबर वन नंबर टू मेरा एक क्वेश्चन है कि आज कमोडिटी मार्केट्स का टाइम है सुबह नौ बजे से लेकर रात को साढ़े ग्यारह बजे तक एम पे जो ट्रेडिंग होता है राइट सो चौदह घंटे का मार्केट है अभी वो इक्विटी के जैसे साढ़े बजे बंद क्यों नहीं हो जाता बिकॉज कमोडिटीज मार्केट इज एन इंटरनेशनल मार्केट गोल्ड है सिल्वर है क्रूड ऑयल है कॉपर है द रेफरेंस प्राइस आता है बाहर से इंडिया से नहीं आता इसीलिए कमोडिटी मार्केट राउंड द क्लॉक चलते हैं तो मेरा ये एक सवाल है कि आज इक्विटी मार्केट साढ़े तीन बजे बंद हो जाती है तो इन्वेस्टर वहाँ ट्रेडिंग करना बंद कर देता है बट अगर किसी इन्वेस्टर को ऑफर किया जाए कि भाई इक्विटी रात तक चलेगा तो वो ट्रेड करेगा ऑब्वियसली करेगा बट आज आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो वो जगह फील uh, होती है कमोडिटी मार्केट से राइट वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है बाद भी कर सकते, सकते हैं और एक अपॉर्चुनिटी क्या हो रही है कि आप मॉर्निंग में आपके ऑफिस आवर्स भी है तो आपको आपका ऑफिस भी देखना है आपको आपकी इन्वेस्टिंग भी देखनी है ये तो स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हो गया राइट right? बट जब आप जनरली कमोडिटीज़ में चार पाँच बजे के बाद आप ट्रेड करते हो रात को ग्यारह बजे तो जनरली आपका डे टू डे वर्क का लोड नहीं है सो यू कैन बी फोकस्ड ऑन योर पोर्टफोलियोज एंड अदर थिंग्स सो दैट इज वेयर द कमोडिटी प्लेस इज वेरी राइट प्लेस राइट और कमोडिटीज में हमने देखा है कि भले चौदह घंटे की मार्केट है मैक्सिमम जो टर्न ओवर होता है वो इवनिंग चार बजे से लेकर रात को नौ बजे तक होता है बिकॉज बिकॉज टब यू एस मार्केट ओपन होता है तो मार्केट्स में मोवमेंट आती है वॉलीटलिटी आती है और उस टाइम पर आप भी आपके डे टू डे अफेयर्स से फ्री हो चुके हो तो यू कैन हैव सम फोकस सो दैट इज़ वेयर द कमोडिटीज प्लेस इन एंड वी फील इट एज अ लॉन्ग वे टू गो इन आवर कंट्री ओके सर माई लास्ट क्वेश्चन वुड बी एस डी बी सोवर इन गोल्ड बॉन्ड्स इंडिया में अचानक से इसका इतना एक्सेप्टेंस आ जाना लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया इसमें इन्वेस्ट किया जबकि इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग फिजिकल गोल्ड में ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं किसी ज्वेलर से जाके ख़रीदना बट डिजिटल गोल्ड में इतना इंटरेस्ट दिखाना है इंडियन इन्वेस्टर्स का ये कैसे पॉसिबल है सर हम इंडियंस को न दो चीज़ बहुत पसंद है एक ही चीज़ बहुत पसंद है कि हमारा पैसा कैसे बचेगा और हमको पैसा ज़्यादा कैसे मिले तो सॉवर गोल्ड बॉन्ड ये दोनों चीज़ ऑफर करता है नंबर वन पैसा ज़्यादा कैसे मिलेगा आज की डेट में गोल्ड के ऊपर किसी ने इंटरेस्ट दिया नहीं है सॉवर गोल्ड बॉन्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जहाँ आपको एनुअली टू का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आज तो कुछ नहीं है आप कहीं बाहर से गोल्ड हो तो कोई ब्याज तो मिलता नहीं है तो ये एक कॉन्सेप्ट से वो हिट हुआ नंबर वन नंबर टू आप आठ साल का उसका लॉक इन है आठ साल के बाद जो भी उसका कैपिटल गेन है वो टैक्स फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने तो हमको टैक्स भी नहीं पे करना तो वो दूसरा बेनिफिट है सबसे इम्पोर्टेंट बैक्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और क्या चाहिए रिस्क है नहीं कोई डिफॉल्ट होने का चांसेस नहीं है बैंक में रखने की टेंशन नहीं घर पे लॉकर में रखने घर पे लॉकर में रखोगे कुछ चोरी हो सकता है बैंक लॉकर में रखोगे बैंक लॉकर पाँच हज़ार रुपये लॉकर के चार्जेस है वो सब क्यों पे करना है सो दैट्स वाई सॉवर गोल्ड बॉन्ड इज़ अ वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट इन अवर कंट्री ओके So, sir, thank you so much for coming to the podcast. Thank you and so much. I hope you had a great time. Appreciate you so your time. Much. Thank you. Thank you. So, thank you all for joining in. Hope you learned something new. Hope you learned something informative. Just go up in day to day life. Mein implement ka sakte And thank you so much.